नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो डिसीजन साइंस यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें आज हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को करके सब्सक्राइब और प्रेस कर दी बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज कमरे टॉपिक की तरफ, तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। हमारा ये वीडियो एक्सेल सीट में बनाने का बस एक ही कारण है, क्योंकि हमारे काफी सारे ऐसे साथी हैं जो एक्सेल के अंदर काम करते हैं और एक्सेल के अंदर स्टैटिस्टिक्स को समझना चाहते हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सेल पे ही बताएं, ताकि आपको भी आगे हेल्प होगा और साथ में मैं एक्सेल में आपको उसी तरीके से समझाऊंगा जिस हिसाब से आप लोग अपने बुक्स में और अपने कॉपी में सॉल्व करते हो या फिर करना चाहते हो। सेम वही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे और आप लोग वहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे। तो वो किस तरह के फॉर्मूलाज होंगे वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा और आप अपने कॉपी में उसी तरीके से करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का चौथा पार्ट वाला वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से ये काम में आता है और इसका यूज कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये सीरीज हम लोग इस सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल से। जो हम लोग को क्लास इंटरवल दिया रहेगा क्वेश्चन में और फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसके साथ हम लोग एक दूसरे को ऐड करते रहते हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। इसे हम लोग दो टाइप्स में देखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एक अपर लिमिट दूसरा लोअर लिमिट। अपर लिमिट जो होता है वो लेस देन फैक्टर पे काम करता है और लोअर लिमिट जो होता है वो मोर देन फैक्टर पे काम करता है। अब इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, इसीलिए आपको यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट्स आपको अच्छे से बताकर आपसे करूंगा कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो ही क्या जिसमें आपको बेसिक्स नहीं बताए और एक बार में आपको सॉल्व करके दे दे। तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा ताकि इस चीज को आप अपने फ्यूचर तक भूल ना पाओ और अपने जहन में रखो और अच्छे से इसे कर पाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेस देन लिखते हैं कि हमें कितना से कितना नंबर चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, ये कुछ स्कूल का एक ग्रेड कार्ड है मान लीजिए, जिसमें रिजल्ट आया है। कुछ बच्चों का 0 से 5 तक का नंबर है, जिनका 0 से 5 नंबर आया है वो कुछ बच्चे हैं फ्रीक्वेंसी में। फिर जिनका 5 से 10 मार्क्स है वो है कुछ बच्चे। फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन पे कुछ कुछ बच्चे आए हैं, जिनका जिन जहाँ पे उन बच्चों का 0 से 5 के बीच में नंबर है, 10 से 5 के बीच में नंबर है, 15 से 10 के बीच का नंबर है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब लेस देन यूज करते हैं। तो लेस देन यहाँ पे हम लोग 0, 5 यानी कि 5 से कम का जितना भी नंबर है वो हम लोग लिखते हैं। अपर लिमिट क्या होता है? अपर लिमिट होता है ये साइड, ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये होता है आपका अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होता है? जो आपके लास्ट में नंबर है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये आपका लोअर लिमिट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेस देन अपर लिमिट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 0, 5, ठीक है, यहाँ पे 0, 10, 1, 10, फिर यहाँ पे 1, 5, 2, 0, 2, 5, 3, 0, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये हमारा अपर लिमिट का फैक्टर है कि ये सारे लेस देन, इससे जितना भी कम होगा, 30 से लेस देन, 25 से कम, 20 से कम, 15 से कम, ये। अब हमें यहाँ पे बोला गया कि हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है। इनमें से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इसी तरीके से बोला गया है कि 5 से कम जितने भी नंबर आए, जिनके जिन बच्चों के 5 से कम नंबर आए यानी कि 0 से 5, वो यहाँ पे लिख दो, वो नंबर वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे 2 आ गया। अब बोला गया है कि 10 से कम जितने भी हैं, 10 से कम जितने भी हैं वो यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले तो 10 के अंदर ये 5 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, यानी कि ये भी आ जाएगा, ये फैक्टर भी आ जाएगा।
तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 10 के अंदर तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे पहले से 2 है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिख देंगे, 2 और 3 को ऐड करके यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिख देंगे। तो उसे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे एक्सेल के लिए इजकल टू, आप लोग पहले दोगे वो फॉर्मूला होता है इजकल टू प्लस वो नंबर को सिलेक्ट करोगे फिर प्लस और यहाँ पे उस दूसरे नंबर को सिलेक्ट करके ऐड कर दोगे, ये आपका आ गया टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट सेम इसी तरीके से आगे भी प्रोसेस होगा, 5 और 8 को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, क्यों, क्योंकि 15 से कम जितने भी बच्चे हैं, 15 नंबर से जितने भी बच्चे कम लाए हैं उनको यहाँ पे लिखना है, तो आप सेम उसी तरीके से इसे ऐड करके आप लिखोगे। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ और यहाँ पे जो प्लस का साइन है उसे डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस इनमें से चेक करूँ तो देखिए आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेक कर लो कर चुका है, कैलकुलेट कर चुका है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट होता है अपर लिमिट के अंदर यानी कि लेस देन फैक्टर में। अब बात करते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट में मोर देन फैक्टर में कैसे कैलकुलेट होता है वो समझते हैं। तो मोर देन के लिए हम लोग जैसे कि अपर लिमिट में किए थे सेम उसी तरीके से मोर देन में करेंगे, तो यहाँ पे मोर देन 5 05 दे देता हूँ, मोर देन 10, मोर देन 15 यानी कि 15 से ज्यादा, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 या ठीक है। अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट होता है ये सारा, ये जो लास्ट में है 25 20 15 10 यानी कि जो हमारा रिसेंट वाला जो मार्क्स है उसका अपर लिमिट और प्रीवियस का जो मार्क्स है उसका लोअर लिमिट, वो होता है हमारा लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज हो गया। अब इसका क्लास फ्रिक्वेंसी या फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं कि मोर देन 5, मोर देन 5 यानी कि 5 से ज्यादा जितने भी उनको लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये सभी जो है 5 से ज्यादा है, सभी का नंबर 5 से ज्यादा है, तो इससे हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डायरेक्टली ऐड करके यहाँ भी लिख सकते हो, और एक्सेल सीट पे कर रहे हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, इनको सिलेक्ट करोगे तो इनको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सम दिखेगा 30, वो अमाउंट यहाँ पे लिख दो, या फिर उससे इजी अगर आपको करना है तो यहाँ पे ऑल्ट इजकल टू प्रेस करो, वो फॉर्मूला ले लेगा और ये आपका ऐड हो जाएगा, जो आपका अमाउंट 30 आया उसको आप लोग यहाँ पे लिख दो 30, आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गया 30। 30 में अब बात है यहाँ पे कि 10 से ज्यादा कितने नंबर है, तो 10 से ज्यादा यानी कि हम लोग 2 को अब छोड़ देंगे, जो 2 नंबर है उसको छोड़ देंगे, तो 10 से ज्यादा जो है उनको लेस उनको कैलकुलेट करेंगे, तो 30 में से 2 को माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे उसे हम लोग यही चीज करते हैं, 30 माइनस 2 ये हमारा आंसर आ गया 28। अब फिर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर सब कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसे मैं कैलकुलेट कर लिया, ये आपका आंसर आ गया 28 25 17 18 4। ठीक है, ये आपका आंसर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ गया कि किस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 28 में से 3 को लेस कर दिया, फिर 25 को 8 से लेस कर दिया, 17 को 9 से कर दिया, 8 को 4 से कर दिया, 4 को 0 से कर दिया। ठीक है, ये लेस हो गया, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। तो ये तो था आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज निकालने का तरीका, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो और आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है, अगर आप एक्सेल पे कर रहे हो तो ऐसे करना और कॉपी में कर रहे हो तो प्लस करके या फिर माइनस करके आपको करना होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको बुक में अगर बताया हुआ है तो ऐसे किया होगा 2 प्लस 0, फिर आ जाता है यहाँ पे 2 प्लस 5, फिर यहाँ पे आ जाता है 2 प्लस 5 प्लस 13, और सेम इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हो 30 तक, तो जाके आपका आंसर आ जाता है फाइनल आंसर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद इनको लेस करना पड़ता है, जैसे कि 30 माइनस 2 आएगा, फिर 28 माइनस 3 आएगा, फिर 25 माइनस 8 आएगा, इस तरीके से आपको करते रहना होगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये एग्जाम में भी हेल्प करेगा, लेकिन ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ताकि इसमें आपका टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा खराब होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका कुछ कन्वर्जन का, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गया, लेकिन मैं अब आपको कन्वर्जन के बारे में बात करता हूँ आपसे कुछ, कि कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए हम लोग इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा कॉलम दे रखा है उसे हम लोग थोड़ा ठीक कर लेते हैं।
ये कन्वर्जन, जहाँ पे आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकालना है। और मान लीजिए आपको ये दो चीज़, मार्क्स यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हटा दिया गया है, ठीक है, ये मान लीजिए आपको हटा दिया गया, ये आपका है नहीं। अब आपको बोला गया है कि आपको क्लास इंटरवल निकालना है, इनमें से क्लास इंटरवल निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है इन दोनों पार्ट में से। अब वो कैसे निकालोगे आप? तो वो निकालने का कारण बहुत इजी है। सबसे पहले तो ये अपर लिमिट का है और इनका एक दूसरे के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कि 30 में से 25 यानी कि 5 का डिफरेंस है। तो आप इनको इस तरीके से लिखोगे, 25 टू 30। आप लोग स्लैश यानी कि हाइफेन दे के भी कर सकते हो। मैं एक्सेल पे 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हाइफेन यूज नहीं होता एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो आप 25 टू 30 लिख दो यहाँ पे, फिर या फिर आप एकदम ऊपर से अगर लिख रहे हो तो 0 से लेके, अगर आप समझ चुके हो कि क्या लिखना है वहाँ पे, तो 0 to 05 लिख दो और यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट कर दो। सॉरी, यहाँ पे आप फिर लिख दो 05 टू 10, ये लिख दो और फिर इसे जो है नीचे तक लिख दो, इसे स्क्रॉल नीचे तक कर दो, नहीं हो रहा है, ठीक है, इसे मैन्युअली कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 10 to 15, फिर यहाँ पर आ जाएगा 15 to 20, फिर यहाँ पर आ जाएगा 20 to 25, ये आ गया। और सेम यही चीज आपको यहाँ पे भी लाना होगा। तो वो लाने के लिए आप यहाँ पे इसका इक्वल टू लिखो, यहाँ पे ये लिख दो और सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पे उतार दो, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल आ गया। सेम चीज यहाँ भी कि आपका लोअर लिमिट जो दिया हुआ है उसका डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लो और वो हिसाब से आप बना दो। अगर 2 का डिफरेंस होता है यहाँ पे, 30 में से 28 होता तो फिर 2 2 करके आप ऊपर जाते 0 तक। अगर यहाँ पे आपका 4 का रहता तो वही करते, 4 का डिफरेंस लेके 0 तक जाते। सेम प्रोसेस दोनों जगह पे होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, दोनों में। अब बात है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने का कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देना हो कि 0 से 5 तक का 2 है, वो 2 लिख दो, 2 लिख दिया, ठीक है। अब जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उनको उस अमाउंट के साथ लेस कर दो, उस अमाउंट के साथ उनको लेस कर दो। हमें जो लेस करना होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, 5 माइनस 2, ये लिख दिया 3। अब हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना है और हमारा देखो फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। ये फ्रीक्वेंसी सेम इसी तरीके से लोअर लिमिट के अंदर जो मोर देन फैक्टर है उसमें भी सेम इसी तरीके से होगा। तो वो कैसे होगा वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 30 माइनस 28 इस तरीके से लिखना है। तो हम लोग स्टार्टिंग से इसे कैलकुलेट करेंगे, 30 माइनस 28 यहाँ पे आ गया 2। और सेम इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे, हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद क्लास इंटरवल आ गया और इंटरवल से हमारा फ्रिक्वेंसी आ गया। और अगर आप इसका आंसर देखना चाहोगे तो देख सकते हो, इसे हम लोग सिलेक्ट किए, इसे वाइट कर देते हैं, ये देखो जो आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज था, जो आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज था वो वही है। फ्रीक्वेंसी सीरीज यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो, सेम है, देख लो फ्रीक्वेंसी सीरीज आपका यहाँ पे दोनों सेम है, 2 2 3 3 8 8 9 9 4 4 सेम है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी जो भी है वही फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसमें मिस ना कर सके। तो मिलता है हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।